पंडित मुकेश भारद्वाज, आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ दो ग्रह हैं जिन्होंने हिला रखा है पूरी दुनिया को? दरअसल बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बृहस्पति का अपना धन प्रदाता ग्रह है। अगर प्रकृति में कहीं भी धन प्रभावित होता है बृहस्पति की बिना मर्जी के, जिन भी कुंडलियों के अन्दर, जिन भी व्यक्तियों के जो जन्मकालीन ग्रह स्थितियां उनके अंदर बृहस्पति की पोजिशन अगर अच्छी नहीं होती तो वो धनवान नहीं होते, ये बिल्कुल तय बात है। इसी तरह से प्रकृति में जब बृहस्पति नीच का हो गया है, नीच राशि में गमन कर रहा है शनि के प्रभाव में, तो प्रकृति में से धन गायब हो गया, कहीं भी धन नहीं है। बड़े बड़े बैंकर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज सब धराशायी हैं। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, बुध और सूर्य ये भी धन को बहुत ही जो है प्रभावित करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर जो अभी अपन देख रहे हैं कि सारे बैंक्स बहुत बुरी तरह इस चपेट में आए हैं आर्थिक मंदी की में, ये सब मिल करके एक ऐसी इन्होंने व्यू रचना करी है कि कैसे भी करके कोई उपाय निकल नहीं पाए अगले 5 साल तक। ये कोई 1-2 साल की मंदी का सवाल नहीं है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक ऐसे भयावह अंदाज के अंदर धीरे धीरे लोगों को चपेट में ले रही है कि जिसका अंदाजा अभी है नहीं पूरे तरीके से। जानना चाहूंगा कि ये जो भयावह स्थिति पैदा हुई है, बताया आप लोगों ने कि किस तरह के ग्रह, एक ये जो ग्रह का कॉम्बिनेशन जिस तरह की भी युति मौजूद है, ये किन क्षेत्रों को, आपने बताया बैंकिंग है, आप दोनों ही कह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए आपने बोला, तो जैसे ही इस तरह की युति बनती है वो कौन से क्षेत्र हैं जो कि सीधे प्रभावित होते हैं? जी, अगर हम बात करें बृहस्पति से रिलेटेड जो हम बात करते हैं तो एक बहुत साफ चीज सामने आती है कि पूरा तंत्र जब इसकी चपेट में हो, बैंक, रियल एस्टेट जिनके भी बात की गई, और सबसे मुख्य चीज़ है कि नॉलेज। जब बृहस्पति इसके प्रभाव में है तो सबसे पहले जो काम करता है कि वो बुद्धि को, बुद्धि चातुर्य को हर लेता है। बुद्धि चातुर्य हरने कारण आपने देखा कि जब कभी मंदी आती है या थोड़े समय के लिए 12 वर्ष में एक बार तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है उसको रिप्लेस करने के लिए। जब कभी भी हम बात करते थे फ्लैट, एक मैं उदाहरण दूंगा, एक फ्लैट टेलीविजन नया आया तो उसने रिप्लेस किया जो राउंड को, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हर क्षेत्र के अंदर कि साहब पहले डीजल की खाली गाड़ियां हों, उसके बाद पेट्रोल की गाड़ी आई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन आप देखेंगे कि बुद्धि ने उतना साथ नहीं दिया समय का, और वो समय उतने महत्वपूर्ण ढंग से बदलाव, नई जो टेक्नोलॉजी नैनो जिसको हम इंतजार करते वो अभी तक प्लेस नहीं हुई उस जगह को लेने के लिए। अगर ऐसा हो जाता तो ये मंदी नहीं आती। अगर इन ग्रहों का कुछ चक्र, इसमें बृहस्पति शामिल नहीं होता, नई टेक्नोलॉजी सामने होती तो होता ये कि वो एकदम अनवरत प्रक्रिया जो चल रही है प्रकृति के अंदर कि एक चीज को दूसरी चीज रिप्लेस कर देती है, आज वैसी स्थिति नहीं है। तो शिफ्टिंग, जहां पर बहुत आर्थिक जहां पर मजबूती थी वो जगह शिफ्ट होकर के जहां पर नहीं है वहां जा रही है। तो ये शिफ्टिंग जो है ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन, उस परिवर्तन को ही एक तरह से देखा जा रहा है, यानी कि अब अमीरों से चीजें हटकर के गरीबों की ओर जा रही है।